नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियराज फैक्ट में। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर हर रोज एक नई वीडियो मिलती है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, एक हमारी प्राइवेट फर्म कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड की तरफ से, दूसरी हमारी तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी पहली अपडेट पर। पहली अपडेट हमारी प्राइवेट फर्म कल्याणी सिस्टम से आ रही है, जिन्होंने माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज विकसित की है। दोस्तों, इस फर्म ने भारत डिफेंस एक्सपो 2022 में 155 mm / 52 कैलिबर माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज का प्रदर्शन किया। कंपनी के अनुसार इसका वजन 8 टन से कम है और इसकी फायरिंग रेंज 41 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें कि माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज ये एक अपग्रेड वर्जन है 155 mm / 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हाउजर गन का। माउंटेन आर्टिलरी गन एक्सटेंडेड रेंज कंपनी द्वारा 155 mm आर्टिलरी गन 155 आर्टिलरी गन में से एक है। इस गन के अलावा कंपनी ने एक और 155 mm / 52 कैलिबर गन सिस्टम विकसित की है, जिसे भारत 52 के नाम से भी जाना जाता है, और एक 155 mm / 45 कैलिबर गन सिस्टम, जिसे भारत 45 कहा जाता है। दोस्तों, कंपनी के अनुसार इस गन का 8 टन से कम है, इसकी फायरिंग रेंज 41 किलोमीटर तक है और 3 मिनट में 12 राउंड फायर कर सकती है। ये गन डिजिटल फायरिंग कंट्रोल से लैस है और इसे ऊंची पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जा सकता है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे पास अमेरिका का खरीदा हुआ चिन्यूक हेलीकॉप्टर है, जो 23,000 किलो का वजन का भार उठा सकता है और 302 किलोमीटर पर हावर की अधिक स्पीड से ऊंचाई वाले स्थानों पर जा सकता है। दोस्तों, कंपनी के अनुसार भारतीय सेना के साथ इस गन का प्रूफ फायरिंग ट्रायल चल रहा है और कंपनी को उम्मीद है कि भारतीय सेना जल्द ही इस गन का ऑर्डर दे सकती है। चलिए चलते हैं अपनी अगली अपडेट पर, जो तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट से आ रही है। दोस्तों, आपको पता ही है कि COVID-19 महामारी के कारण 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसी भी विदेशी नेता की मेजबानी नहीं की है। भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इन्विटेशन दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति, जो सेना में सेवा देने के बाद पॉलिटिक्स में आए थे, उन्हें इन्विटेशन दिया गया है, क्योंकि ये ज्वाइंट वार ड्रिल और 70 तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के निर्यात के साथ भारत मिस्र रक्षा सहयोग में नई गति जोड़ने में इच्छुक है। दोस्तों, विदेश मंत्री A.S. जयशंकर ने पिछले महीने काहिरा का दौरा किया था और मिस्र के विदेश मंत्री के साथ बैठक की थी। उन्होंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी संदेश सौंपा था। और आपको बता दें कि इसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय से राजनाथ सिंह जी भी 19 और 20 सितंबर को काहिरा गए थे। उन्होंने भी मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और राजनाथ सिंह ने बताया था कि रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HAL, जो तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाती है, उन्होंने पेशकश की कि मिस्र की वायुसेना के लिए 70 तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और मिस्र में ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना भी करेगी। दोस्तों, मिस्र अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत और मिस्र का दोनों का व्यापार 2021-22 में 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मिस्र में भारत का निवेश बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और भारत की 50 से अधिक कंपनियां मिस्र में मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल के क्षेत्र में काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है दोनों अपडेट्स पे, प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।